डंडे लाके डंडे रात मेरी कार खराब सी मैनू राती नींद नहीं आई चज नाल पता नहीं की हो गया सो सवेरे उठदे मतलब पहला उठदे मैं हजे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया 11 बज रहे मैं उठदे सीधा एजेंसी जा रहा गड्डी नूं लैके द थिंग इज गड्डी दा आड़ा गियर है ना आ फ्री हो गया देखो तो यह इस वे जो मैं फस्ट गेयर च पाँगा यह पैंदी है तीजे च जो मैं पाँगा बैक गेयर च पैंदी फोर्थ विच तो बस ये चैक करा जाना इन प्रॉब्लम हुई की है। Hey guys, what's up? How you all doing? And welcome to the another vlog. अज अमृतसर भी जाना थोनों सारे पता वो तो चल कम हैगा वा वो तो जाना ही जाना वा मतलब जे गड्डी ठीक होगी तो जे ना ठीक हुई फिर ही कैंसल हो सकता बट द मेन थिंग इज़ गड्डी ठीक हो जाए जी मैं मेन टेंशन है क्योंकि इस वे जो मैं मेन रोड पर ना द ओनली टेंशन आई हैव इज़ के गड्डी जे कि अड़ गई गड्डी बैक नहीं होनी सो मैं बस वो ध्यान न चलन दिया कि गड्डी कितने अड़ावान ना क्योंकि जो गड्डी अड़ गई फिर बैक नहीं होनी राजा तो इस करके इस वे गड्डी भी थर्ड गेयर से चलन दी है लाइन पता मैं तीजे गेयर से किमें चलाने बहुत छियापा है। वैसे जो मैं घर आया राती मैं राती आंदे एजेंसी भाजी है मेरे एक वाकफ जगजीत भाजी तो उन्होंने सुजुकी एजेंसी फोन किया राती 10:30 बजे मैं भी आह इशू आ गया भाजी कहते दो हो सकते एक तो गेयर बॉक्स प्रॉब्लम हो सकती है जे गेयर बॉक्स की प्रॉब्लम हुई फिर तो तगड़ी प्रॉब्लम आ जानी है दूजी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि गेयर का एक लॉक होंगे जिरना बैक गेयर पैंता मतलब जोड़ा एक लॉक गेयरिंग की शिफ्टिंग करता जो लॉक टुटा हुआ दैन इट विल बी ईजी तो वो छेती काम भी हो जाएगा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हूँ जाके देखते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम हो ही की है पर मैं फिर कहना वो वाहगुरु सच्चे पातशाह मतलब उसे यकीन रख्या करो गुरुद्वारे जाया करो मत्था टेकया करो शुकराना करया करो वाहगुरु सच्चे पातशाह का कि जो करता चंगे नहीं करता मैं राती 10:30 बजे घर आया तो मैं रब का यह गलो धन्यवाद करता मैं आ गल का मैं दुख नहीं है कि मेरी गड्डी खराब करती उन्हें नहीं मैं आ गल का धन्यवाद करता कि रस्ते जी कितने खराब नहीं हुई मेरी गली के मोड़ से आके खराब हुई लाइक जिते मेरी गली शुरू होंगी है मेरे घर तो यू कैन से 10 या 15 स्टेप पिछे जाके मेरी गड्डी खराब हुई जितों के मेरे मोम डैड ईजली घर जा सकते सी कोई इन्ना चक्कर नहीं सी जे रस्ते च खराब हो जाती तो बहुत तगड़ा इशू हो सकता सी ते फिर प्रॉब्लम आ जानी सी पर वाहिगुरू अकाल पुरख ने इदा दा कुछ नहीं किया घर बिल्कुल ओके बचाता हूँ बस आप चैक करा लेनी है प्रॉब्लम ठीक करा लेनी है तो एवरीथिंग हैपनस फॉर अ रीज़न इस चीज़ पिछे भी कोई ना कोई पक्का रीज़न होएगा अकाल पुरख सच्चे पातशाह का उन्हें किसी भले लिए की होनी है सो उदा पाना मीठा लागे ये गल हमेशा याद रखा करो। गाइस इतनी सी रबड़ थी मतलब इतनी भी कैसे मटर का दाना होता है ना इतना सा इतनी सी रबड़ थी जो टूट गई थी जिसकी वजह से गियर शिफ्टिंग एकदम हिल चुकी थी एंड मुझे डर लग गया था शायद गियर बॉक्स उड़ गया बट इतनी सी रबड़ कहते हैं ना चीटी एक छोटी सी चीटी भी हाथी को पागल कर सकती है तो वही हिसाब था एक छोटी सी रबड़ थी जिसने सारी गाड़ी हिला दी तो वो ठीक हो गई अपना कोई इशू नहीं है गाड़ी एकदम ओके मैंने चेक करा लिया अब अपने को डरने की कोई बात नहीं अब मैं शार लेके अमृतसर जा सकता हूँ। वो रबड़ टूटने का वजह होता है कि वो हार्ड हो जाती है चल चल के जब वो हार्ड हो जाती है फिर हम गियर शिफ्ट करते हैं वो टक करके टूट जाती है तो अब नहीं पड़ गई अब तो काफ़ी टाइम चल जाएगी ये भी मैंने पहली बार जब से कार ली है तब से पहली बार ये प्रॉब्लम आई है तो काफ़ी चल गई है तो अब भी चल जाएगी अब मैं नहा के धो के अमृतसर जाता हूँ। अमृतसर में ये जो मौसम हो रखा ना मतलब बाई कमाल हो चुका है मतलब इतना अच्छा मौसम क्या बात है रोमांटिक रोमांटिक मौसम हो चुका है मेरे बटाला में धूप थी बट बारिश होने वाली थी यहाँ बारिश होके अभी रुकी है और इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना क्या बात है। आई होप मेरे को आज मानसून की पहली बारिश देखने को मिल जाएगी एंड बाकी देखते हैं क्योंकि यहाँ बारिश हो चुकी है मैं थोड़ा लेट आया हूँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है तैयार होके तो मैं आ गया इन्हें तैयार होने के पीछे दो रीज़न है एक तो थोनू अज असी बहुत टाइम बाद मेरे ब्लॉग्स में दो जणियां नूं देखोगे एंड थोनू मैं इन्ना भी दस दिना दोवें वो जिहड़ियां हैगियां ने कुड़ियां तो वो चंडीगढ़ तो इन्हें जिन्हें हुण तक गैस मार लिया थले कमेंट करके दस्यो मैं भी गैस दे दिना दोवें कुड़ियों नूं मैं साल साल डेढ़ डेढ़ साल बाद पहला मिलिया सीगा वो मेरे ब्लॉग्स भी आई जांदियां तुसीं बस दस्यो मैनूं कि तुसीं गैस सही किया कि नहीं एंड जे नहीं तो फिर अगे जाके तो मैं मिला ही दूंगा। राइट नाउ मैं बंबरे की वेट कर रहा चक्कर मेरा फोन हो गया 50% चार्ज है बट
ਆਪਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੰਬਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਚਾਰਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਜਾਂ ਬੀ ਰੋਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀ ਰੋਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਏਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਲੋਗਿੰਗ ਵੀ ਏਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਬੈਟਰੀ ਮੋਟੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਬਰੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਬਰਾ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੇਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋੜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਭਰਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਬੋਲੀਏ। ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਆਉਣੇ ਕੀ ਬੋਲੋ ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਗਏ ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਗਏ ਬੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਆਏ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦਬਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਸ਼ਕਾਉਣੇ ਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਬੰਬਰੇ ਬਹੁਤ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਕੀਤਾ ਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੁਗਰ ਆ ਇਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਦੇ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਦਾ। ਚਲੀਏ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੂਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਲੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈਂਸ ਲੈ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਆਪਾਂ 50 mm ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਮਰੇ। ਆਊਟਫਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ 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 ਸਸਪੈਂਸ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਐਨ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦੀ, ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਬੁਲਾ ਲੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਾਇਸ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਮਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਹੈ, ਸਿਮਸ ਵਲੌਗ, ਸਿਮਸ ਵਲੌਗ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੌਗ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਲੇਟ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਅੰਡਰਸਕੋਰ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਰਾ ਦੱਸੋ। ਫੋਲੋਅਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ, 1,36,000। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਲੈ, ਆਏ ਰੱਬਾ। ਓਏ ਡਿਪ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨ ਫੜੋ ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਫੋਲੋਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ 1,29,000 ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ, ਛੱਡ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਵੇਖ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੋ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੰਗ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਆ, ਵਾਧੂ
यार करो चलो तुम करो, मेरा तो डन ना। तो गाइस मैं ना व्लॉग शूट कर रही थी, मेनू राजन नहीं करण दे रहा, वो कह रहा है कि मेरे व्लॉग चा करो करो स्पेशल गेस्ट करो करो। मैं उन्होंने कहा कि नहीं तू मेरे व्लॉग चाहेगा तेरी रीत फिर मैं व्लॉग बनाने लग गया इतना कुछ फेक जगह तो हो जाता ना। मैं तो नहीं होया, तू मैंने देखा कभी? लगी जाती है मैंने, तू मैंने देखा कभी? नहीं रियल नहीं कर खेच के सिर्फ है ना यार। नहीं नहीं करो करो करो, तुम मेरा व्लॉग बना रहे हो? हाँ करो करो, पर मैं नहीं बना रही हूँ बार बार। हाँ जा चाक चाक यार, ये दो दो बंदे नहीं, ये बंदी है जी है कि मेरे व्लॉग में शूट करें मेरी, मैंने बार बार रीटेक लेने पहले मेरे फोन चो के जाना कंडीशन नहीं है। अच्छा ओके ओके, सब कुछ डन हो गया। एक डिस्कशन रहती है, एक मीटिंग रहती है छोटी जी, एक्चुअल च चुगलियां रहती हैं। चुगलियां नहीं रह रही, बट फिर अस जावे दरबार साहब। वाहेगुरु वाहेगुरु, देखते हैं। मैं एक तो सरप्राइज दसना ही भूल गया, कुड़ी डेब्यू कर रही है अपना सच। मैं देखा सी स्टोरी गाने च, ओ मेरी स्टोरी नहीं सी राजपन दी, मेरे फ्रेंड दी सी ओ। ले ते तो गलत फैमिली हो गई ना मेनू इधर। नहीं सोना लगेगा, चंगा फिर लेने इजाजत। चंगा रीत, ओके वीरे, चंगा लगा मिलके भाई, जल्दी मिलते हैं भरा मेरे, चंगा लांती। नहीं यार चंगा वीरे, चल ध्यान रख, पहले बंदे वांग बोल। मैं क्या चंगा उधर, सॉरी ऐसा क्या, रीत जी ओके, बाद में मिलते हैं। ऐ हजम नहीं आया तेरे, चलो आ रास्ता जांदा रोड, इधरों पै के, इधरों पै के निकल जा, चल जा, ध्यान रख। बाय बाय गाइस, मेनू फॉलो कर लियो इंस्टाग्राम पे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, ओडी फुकिया वाहेगुरु, 140 के लगे मर जांदी यार। प्लीज मेनू फॉलो कर लियो, मैं आईडिया मेंशन कर दूं भाई, कर लियो आडे 50 के वाले को प्रमोशन पाल दे दे। थोड़ी पता है एंगेजमेंट कितनी है प्रोफाइल की? एंगेजमेंट ठीक है, चलो लालच बुरी बला है। आ टाइटल रखी ते हुन ओ ता चलियां गईयां बीबियां, ते आपा अपना शूट करदे पे हां, क्योंकि ए नवी शर्ट हैगी ए कूज वाले वालों। तो आ जी तुम डेनिम जैकेट मेरे मोढ़े से देख रहे हो, ये भाजी 4 महीने बाद मेरे को आई है। कितों कितों हो गया, कितों कितों हो गया, मैं दसना नहीं ओके, पर बहुत जगह तो होके आई है। तो इस करके अज आप क्या भी चलो आउटफिट आता कूज वाले का है, ये तो फॉरएवर 21 की है, तो आप शूट कढ लिए कोई घैंट जहाँ। एक ना वो कैफे बार हैगा, उत्थे शूट एडा वधिया होया, जिथों आप खाधा पीता, वो फोटो मैं कहना दिल लै गई, मेरी फेवरेट हो गई। एक्चुअल च कल तक मेरी फेवरेट सी जिहड़ा आपां कल शूट करके आए सी, अज मेरी आ हो गई फेवरेट। तो बमरा देखो किदा लिशका मारी फिरदा भाई जी, तुसी मनो ना मनो थोड़े ना 50-60 कुड़ियां सैट ने हैगियां ना भाजी। फिर मैं तो लग शूट डन हो गया, हुण आपां दरबार साहिब दर्शन कर आईए। अंबरसर आके जे दर्शन करन जोगा तुहानू सौभाग्य मिल जाए ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਢਾਉਣੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਗਈ ਅਤੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਧੀਆ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਫਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਕੀ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਧੁੱਪ ਵੱਲੀਏ ਯਾਰ ਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐ ਲੁੰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲੂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ। ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੜ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਟੀ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਟੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਗਈ।